नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल हरी एवरीवेयर पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु की कथा सुनते समय किस चीज का त्याग करना चाहिए, इसके विषय में रामचरितमानस के बालकांड में प्रमाण मिलता है। बालकांड में दोहा संख्या 47 के पश्चात जब ऋषि याज्ञवल्क भरद्वाज मुनि को उनका संदेह दूर करने के लिए उमा और शिव जी का संवाद सुनाते हैं, वो संवाद कुछ इस प्रकार है। एक बार त्रेता जुग माही संभु गए कुम भज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखी ले स्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। इन चौपाइयों में बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और इसी से इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है कि प्रभु की कथा सुनते समय किस चीज का त्याग करना चाहिए। सबसे पहली बात, एक बार शब्द श्री रामचरितमानस में कुल 17 बार आया है और जब जब ये एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है तब तब कोई विशेष घटना घटी है। तो एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग का समय था जिस समय श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था, उस समय शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु अर्थात भगवान शिव किसके पास गए? गए कुंभज, कुंभज अर्थात अगस्त ऋषि को कहा गया कुंभज। कुंभ से उपजने के कारण, घड़े से पैदा होने के कारण उनका नाम कुंभज ऋषि पड़ा। तो अगस्त ऋषि के पास में गए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। यहाँ पे देखिए एक बात और समझ में आती है कि ये जो भगवान की कथा है ये भगवान को भी उसके लिए उतर के इस धराधाम पे आना पड़ता है। कितनी दुर्लभ है प्रभु की कथा। आगे लिखा है संग सती जग जननी भवानी। संग, अब देखिए माँ साथ में आई भवानी, लेकिन भवानी अपने साथ कई विशेषण लेके आई हैं। सती जग जननी भवानी ये विशेषण लेकर के वो जा रही हैं और उसके बाद उनका अहंकार और बढ़ गया। होता तो ये है कि जो श्रोता होता है वो वक्ता का स्वागत करता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, जैसे ही देखा अगस्त ऋषि ने कि मेरे घर पे सुबह सुबह मेरे आश्रम पे खुद महेश आ गए हैं तो वो उनका स्वागत करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। ये देख के माँ को और ज्यादा अभिमान हो गया, उन्होंने कहा इनको कुछ आता जाता नहीं है, हम बस यहाँ पे बैठे ही रहेंगे। इसीलिए और शंकर जी की दृष्टि देखिए, शंकर जी कह रहे हैं कि कितने सरल स्वभाव के ऋषि हैं कि मैं इनसे कथा सुनने आ रहा हूं और ये मेरी ही पूजा कर रहे हैं, यही है हमारी दृष्टि का अंतर। राम कथा मुनि बरज बखानी, अब ऋषि ने राम कथा कुछ दिन तक वहां पे राम कथा ही चलती रही, लिखा ना सुनत कहत हरिगुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। तो कुछ दिन राम जी की कथा चली, लेकिन इस कथा को सुना किसने? आगे गोस्वामी जी ने साफ साफ स्पष्ट लिख दिया है, सुनी महेश परम सुख मानी। इस कथा को माँ ने कहीं नहीं, उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। सुनी महेश परम सुख मानी, इस कथा को केवल भगवान शिव ने ही सुना। अब देखिए इस कथा को हृदय से सुनने का परिणाम क्या हुआ। जब भी हम हरि की कथा, उनका कोई भी प्रसंग सुनते हैं तो अगर हमारे अंदर ऐसा विचार आए कि हमें प्रभु को देखने की आकांक्षा इच्छा और बढ़ जाए, तब हमें समझना चाहिए कि आज हमने वास्तव में हरि की कथा सुनी है। लिखा है ना
कथा सुनने के पश्चात जब भगवान शिव वापस कैलाश जा रहे थे, उसी समय दंडक वन में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी का हरण हो चुका था और वो सीता जी की खोज में फिर रहे थे। वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होई, हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होई, अर्थात प्रभु की कथा सुनते समय हमारे अंदर अहंकार का लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए और हरि की कथा सुनने के पश्चात अगर हमारे अंदर प्रभु से मिलने की आकांक्षा और इच्छा और बढ़ जाए तब हमें ये बात समझना चाहिए कि आज हमने वास्तव में हरि कथा का श्रवण किया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आप लोगों से विनय के साथ कहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।